आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने आज पहली बार देश को बताया कि कितना पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस आया। इन आंकड़ों से मोदी सरकार घिर गई है। दरअसल सरकार ने दावा किया था कि नोटबंदी से कालाधन वापस आएगा, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। वर्तमान में जारी 500 रूपये और 1000 रूपये की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पिछले साल 8 नवंबर की रात जब पीएम ने नोटबंदी का ऐलान किया, तब कहा गया कि ये काले धन पर सबसे बड़ी चोट है। लेकिन नोटबंदी के करीब 9 महीने बाद आरबीआई ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के वक्त बाजार में 1500 के पुराने नोट करीब 15,44,000 करोड़ के थे। इनमें से अब तक 15,28,000 करोड़ के नोट सरकार के पास वापस आ गए, यानी सिस्टम में मौजूद 99% नोट बैंकों के जरिए सरकार तक पहुंच गए। सिर्फ 1% यानी करीब 16,000 करोड़ के नोट ही सरकार तक नहीं पहुंचे। इनमें 8,900 करोड़ की राशि के 1,000 के नोट हैं, जबकि 7,100 करोड़ राशि के 500 के नोट हैं, जो वापस नहीं लौटे। इस तरह नोटबंदी से काला धन तो वापस नहीं आया, उल्टे नए नोटों की छपाई पर सरकार को एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में रिजर्व बैंक ने करेंसी छापने के लिए 3,421 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं नोटबंदी के बाद वित्त वर्ष 2017 में ये खर्च बढ़कर 7,965 करोड़ रुपए हो गया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या देश में सिर्फ 16,000 करोड़ का ही काला धन था, या फिर नोटबंदी के दौरान काला धन भी अलग अलग माध्यमों से सफेद हो गया, या फिर नोटबंदी का फैसला काले धन पर बेअसर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर सरकार की दलील है कि नोटबंदी का मकसद सिर्फ काले धन तक सीमित नहीं था, इसके जरिए सरकार ने कई मोर्चों पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इससे टैक्स का दायरा बढ़ा है और सिस्टम में कैश फ्लो भी कम हुआ है। जिन लोगों ने जीवन में कभी काले धन के खिलाफ जंग नहीं लड़ी, वो शायद इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य क्या था ये समझ नहीं पाए हैं। ये उद्देश्य किसी का पैसा जप्त करने का नहीं था। बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ जाए उसका यह अर्थ नहीं वो सारा लेजिटिमेट पैसा था। उस पैसे के खिलाफ भी टैक्स विभाग पूरी जांच करता है, कार्रवाई करता है, और यही कारण है कि लाखों लोगों को नोटिस पे डाला गया है। टैक्स बेस बढ़े ये एक उद्देश्य था। पैसे जो गुमनाम था वो मलकियत के साथ उसको जोड़ दिया जाए और फिर उस मालिक के खिलाफ टैक्स इवेजन की कार्रवाई हो सके, ये एक उसकी दूसरी प्रक्रिया थी। डिजिटाइजेशन का एक्सपेंशन हो ये इसका उद्देश्य था। अर्थव्यवस्था को लेस कैश अर्थव्यवस्था बनाना, जिसमें इस रिपोर्ट में भी लिखा है कि 17% कैश व्यवस्था में ऑलरेडी एक ही कदम से कम हुआ है। वहीं आरबीआई के आंकड़ों पर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर तंज किया है। चिदम्बरम ने कहा कि 99% नोट कानूनी तौर पर बदल दिए गए, तो क्या नोटबंदी काले धन को सफेद करने की स्कीम थी? आरबीआई को 16,000 करोड़ रुपए का फायदा तो हुआ, पर उसे नए नोटों की छपाई पर 21,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा। ऐसे में ये फैसला लेने वाले अर्थशास्त्रियों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मोदी जी और जेटली जी ने कहा था नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, उग्रवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान से आने वाला उग्रवाद समाप्त हो जाएगा। क्या ये सब हुआ? उल्टा इसके विपरीत हुआ है।